आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। वही कृषि मामलों को लेकर अहम बैठक भी हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, अब आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है, किसानों को जिद छोड़ देनी चाहिए। तीनों कानूनों में कोई कमी नहीं है, सरकार आगे की बातचीत के लिए तैयार है। किसानों की मुख्य मांगे मान ली गई है। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन से और लोगों के जुड़ने की संभावना है। किसान नेता के मुताबिक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने सिंधु बॉर्डर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 98,84,000 तक पहुंच चुका है। इनमें से 93,87,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,43,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया है, तो वही एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ चल रही है। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए तीनों सेनाओं को बड़ी छूट दी है। नए फैसले के तहत तीनों सेनाओं को 15 दिनों के युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद स्टॉक करने के लिए कहा गया है। बिहार की हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी की बैठक में यह तय किया गया है, पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में आज उपवास रखा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अन्य पार्टी नेता दिल्ली पार्टी मुख्यालय में मंच पर उपवास में बैठ गए हैं। उपवास शाम 5 बजे तक चलेगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब राजस्थान पर है। ओवैसी ने राजस्थान की भारतीय ट्राइबल पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान में BTP के 2 विधायक हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बेकाबू बोलेरो पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक सिपाही समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। सिपाही संदीप यादव की कल ही सगाई हुई थी।